विशेष कार्यक्रम और शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग और मुहूर्त को देखा जाता है। आज भी लोगों में ऐसी धारणा बनी हुई है कि पंचांग और मुहूर्त को देखे बिना कार्य को नहीं करते हैं। पंचांग क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और मुहूर्त क्या है, इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र कुमार जी, इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये मुहूर्त क्या होता है, उसकी क्या मतलब उपयोगिता है? कि मुहूर्त के विषय में, जैसे पहले आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी थर्ड आई जागृत होती थी, थर्ड आई या सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, तो थर्ड आई के माध्यम से आंख बंद करके जान लेते थे कि आगे आने वाला किसी भी जातक का या किसी भी मनुष्य का भविष्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, या क्या क्या उसके जीवन में परेशानियाँ बाधाएँ अड़चने आएंगी, वो ऐसे देख लेते थे थर्ड आई के माध्यम से, जैसे टीवी पे व्यक्ति जो है सारे कोई भी कार्यक्रम देखता है। उसी तरह से आजकल के समय में उस तरह से सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन मगर ये मुहूर्त के माध्यम से अगर हम लोग इसका मतलब किसी विशेष क्षण को अगर हम पहचाने, तो भी किसी भी जातक के भविष्य के में होने वाली घटनाओं के बारे में, उसके आने वाले सुख दुख के बारे में, या कोई बाधा अड़चन आने वाली है उसके बारे में हम लोग मुहूर्त के बारे में ज्ञान कर सकते हैं। मुहूर्त में होता क्या है, मुहूर्त एक साइंटिफिक है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक क्षण विशेष होता है, जिस क्षण विशेष में कोई कार्य संपन्न किया जा सकता है और वो भली भांति सफल हो सकता है। देखिए, जो मुहूर्त में ये जो जितने भी ग्रह हैं और समस्त ग्रह एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आकर्षित होते हैं, या एक दूसरे ग्रह के नज़दीक आते हैं, या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से वो पृथ्वी के नज़दीक आते हैं या पृथ्वी से दूर चले जाते हैं। जब वो ग्रह पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं तो हम मनुष्य प्राणियों पे उसका इफेक्ट पड़ता है, और उसका अच्छा या बुरा प्रभाव उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से उस जातक को भोगना पड़ता है। देखिए, जो मनुष्य प्राणी है और जो ग्रह हैं, इनका आपस में अटूट संबंध है और एक दूसरे से मिले हुए हैं। मनुष्य खुद कुछ नहीं करता है, वो ग्रहों के जो स्वभाव होता है या जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति ईश्वर ने उसको प्रदान की है, जिस समय उसका जन्म हुआ है, उसके वशीभूत हो करके उसको वो ग्रह उस जातक को अच्छा या बुरा फल उस समय के अनुसार आने पर प्रदान करते हैं। तो एक मुहूर्त की इसलिए विशेष आवश्यकता है कि हम जन्म कुंडली के हिसाब से हम अपने अच्छे या बुरे समय को पहचाने और उस क्षण विशेष में कार्य करें जो हमारे लिए या उस पर्टिकुलर जातक के लिए उचित है। देखिए, इस संबंध में पहले वाराहमिहिर ने भी एक प्रयोग संपन्न किया था किसी क्षण के महत्व को पहचानने के लिए। उन्होंने एक ये प्रयोग संपन्न किया कि सात पीपल के पत्ते लिए और उन्होंने किसी विशेष क्षण में ही उन सातों पत्तों में एक सुई चुभो दी। जब सातों पत्तों में एक साथ सुई चुभोई तो उसमें देखा कि पहला पत्ता जो था सोने का बन गया, दूसरा पत्ता चांदी का बन गया, तीसरा पत्ता तांबे का बन गया, चौथा पत्ता किसी और धातु का बन गया, और अंत में सातवां पत्ता जैसा पीपल का पत्ता था तो वैसा ही बना रह गया। तो इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किसी क्षण विशेष का क्या महत्व होता है, किसी क्षण विशेष में जब वो सुई पहले पीपल के पत्ते में चुभी तो वो उसको सोने में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे पत्ते को चांदी में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे ये किसी भी क्षण विशेष के महत्व को समझा जा सकता है, और ये एक साइंटिफिक है किसी क्षण विशेष, और इसको साइंस भी मानता है कि हर क्षण का विशेष मुहूर्त विशेष समय होता है, जिस क्षण विशेष में ही उस कार्य को संपन्न करना चाहिए तो हमारा कार्य अच्छी तरह से संपन्न होता है। अभी अपने मुहूर्त की बात की है तो क्या अभिजीत मुहूर्त और मुहूर्त सेम होते हैं या फिर इसमें अंतर पाया जाता है? देखिए, मुहूर्त एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, कॉमन शब्द है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त का मतलब विजित होना,
मतलब विजय काल, अभिजीत मुहूर्त जो है विजय काल मुहूर्त कहलाता है। तो अभिजीत मुहूर्त और ये विजय काल मुहूर्त होता है, और विजय काल मुहूर्त प्रत्येक दिवस में आता है। प्रत्येक दिवस में उस समय आता है जब हमारे सूर्य जो है खा मध्य पे होता है। खा मध्य का मतलब सूर्य हमारे ठीक सर के ऊपर होता है, और उस समय में सूर्य की प्रबलता भी सबसे ज़्यादा अधिक होती है। और अभिजीत मुहूर्त के बारे में नारद पुराण में उसका समय दिया गया है 11:36 से लेकर के 12:25 तक का। ये अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिवस होता है। तो किसी की भी कुंडली कैसी भी हो, अगर किसी भी कार्य में हमें विजय प्राप्त करनी है, चाहे इंटरव्यू, चाहे किसी फॉर्म को भरने से संबंधित हो, या किसी कार्य की शुरुआत करने से संबंधित हो, या कोई भी शुभ कार्य हमको करना हो, अगर हमें किसी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो अगर हम अभिजीत मुहूर्त का चयन कर लेते हैं, यानी 11:36 से 12:25 का, तो उस कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है। ये विजय काल मुहूर्त है, और इस विजय काल मुहूर्त को मैंने खुद स्वयं में अप्लाई करके देखा है कि मतलब उस अभिजीत मुहूर्त का क्या इफेक्ट होता है मुझको। उस अभिजीत मुहूर्त में कार्य संपन्न करने में 100% सफलता मिली, जबकि दूसरे साथी ने हमारे उस 15 मिनट बाद वो कार्य संपन्न किया, उसका पोस्टिंग जो थी कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर हो गई। तो अभिजीत मुहूर्त का ये फर्क होता है। और एक को और मैंने इंटरव्यू के लिए फॉर्म में अप्लाई करने के लिए बताया था, तो उस अभिजीत मुहूर्त का ही मैंने सहारा लिया, कि उस अभिजीत मुहूर्त में कहा कि आप फॉर्म भर के आप अपने ऑफिस में सबमिट कर दो, मतलब रिसीव करा दो। उस अभिजीत मुहूर्त में उस व्यक्ति का प्रमोशन उसके 7 साल से नहीं हो रहा था, उस विशेष क्षण मुहूर्त में किया, उसने कार्य किया और उसका उस साल उस प्रमोशन भी हुआ। तो इसे एक नहीं कई एक मतलब उदाहरण है जो मैंने अपने ऊपर करके देखे और दूसरों को भी बताया कि इस अभिजीत मुहूर्त में अगर कार्य किया जाए तो 100% सफलता मिलती ही मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जैसा कि आज के युग में लोग पंचांग को देख के कोई भी शुभ काम करते हैं, तो पंचांग का क्या बहुत ज़्यादा महत्व है और ये होता क्या है? देखिए, पंचांग का मतलब होता है, जैसे इसके शब्द से प्रतीत हो रहा है, 5 अंग, मतलब एक ज्योतिष के, मतलब ये जो मुहूर्त के होते हैं उसके 5 अंग। 5 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 अंग कहलाते हैं मुहूर्त में, तिथि वार नक्षत्र योग और करण। इसमें हर एक की अपनी अलग अलग महत्ता है। वार जो होते हैं ये 7 होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 वार होते हैं। और इन वारों का भी जो क्रम है वो साइंटिफिक है, जो वारों का क्रम है वो साइंटिफिक इस तरह से जो पृथ्वी से डिफरेंट ग्रहों की कक्षा है ये उसका आधार है, उस आधार मान करके ये वार बनाए गए हैं। यानी पहले रविवार होता है, रविवार के बाद सोमवार होता है, फिर मंगलवार होता है, इसके बाद बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि। ये जो वारों का क्रम है ये भी ये ग्रहों की कक्षाओं का आधार है। ये ग्रह, ये इसका भी आधार जो है, ये सीक्वेंस जो है ग्रहों की कक्षाएं हैं, ग्रहों की कक्षाओं के आधार पर ही ये वार का सीक्वेंस है कि रवि के बाद सोम, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो ये हो गया वार। वार ये वार 7 वार होते हैं। तो ये जो 7 वार होते हैं इसके अलग अलग देवता होते हैं। तो उस वार से संबंधित अगर कोई कार्य संपन्न किया जाएगा तो हमको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर ये कुछ कार्य रविवार और मंगलवार को संपन्न होते हैं तो उस रविवार और मंगलवार को संपन्न करेंगे तो हमें पूर्ण सफलता मिलेगी। और जो भी अनुकूल दिवस होंगे वारों के कार्य के हिसाब से, उन वारों में अगर कार्य करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। ये वार का महत्व है। अब बात आती है तिथि की। तिथि पंचांग में दी होती है। तिथि का मतलब होता है सूर्य और चंद्रमा की गति के अंतर को तिथि कहते हैं। चंद्रमा एक दिन में करीब करीब 13 अंश मूव करता है, मतलब जिस राशि में है वहाँ से 13 अंश चलता है, और सूर्य एक दिन में 1 अंश मूव करता है। तो जो ये सूर्य और चंद्रमा की गति का अंतर है, यानी 13 डिग्री चंद्रमा एक दिन में मूव किया और सूर्य एक दिन में 1 डिग्री मूव किया, तो इनकी गति का अंतर हुआ 12 डिग्री। तो ये जो 12 डिग्री, ये जो सूर्य और चंद्रमा की गति का अंतर है, ये एक तिथि के बराबर होता है। तो ये जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का अंतर होगा तो प्रतिपदा तिथि कहलाती है।
जब सूर्य चंद्रमा के बीच में 24 का अंतर होगा तो द्वितीया हो जाएगी, फिर 36 का होगा तृतीया हो जाएगी। इसी तरह से जब सूर्य और चंद्रमा की गति का अंतर 12-12 डिग्री के हिसाब से बढ़ता जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों 180 अंश पे आ जाएंगे, यानी दोनों आमने और सामने हो जाएंगे, 180 अंश पे हो जाएंगे, तो पूर्णिमा तिथि होती है। सूर्य और चंद्रमा के सामने आने पर पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, तो ये पूर्णिमा हुई। और प्रत्येक तिथि का जो है 12-12 डिग्री की होती है, तो यदि 12 डिग्री पे हो गया पंचपदा, 24 डिग्री पे द्वितीया, 36 डिग्री पे तृतीया, इसी तरह से क्रम बढ़ता जाता है। और एक पक्ष में 15 तिथियां हो जाती हैं। शुक्ल पक्ष जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से दूर जाते हैं और आमने सामने हो जाते हैं सूर्य और चंद्रमा, तो वो पूर्णिमा कहलाती है। फिर जब चंद्रमा जो चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तेज चलने वाला ग्रह है, जब चंद्रमा जो है मतलब 180 अंश से आगे यानी सूर्य की तरफ मूव करने लगता है, तो 12 डिग्री मूव करता है। यानी अभी आपने पक्ष की बात की है, तो इसके क्या प्रकार हैं और कितनी तिथियां इसकी होती हैं? देखिए, पक्ष एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, ये शुक्ल पक्ष की तिथियां होती हैं। और तिथियों का बताया कि एक एक तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो 12-12 डिग्री का अंतर होता है। जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो पूर्णिमा तिथि होती है, और जब सूर्य चंद्रमा तेज गति से चलता हुआ जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में डिफरेंस कम होता जाता है 180 अंश के बाद 12-12 डिग्री, तो फिर वो कृष्ण पक्ष की स्टार्टिंग हो जाती है। और फिर धीरे धीरे 12-12 डिग्री के हिसाब से जब 180 से 12 डिग्री कम हुआ, यानी सूर्य और चंद्रमा का अंतर जो है 168 डिग्री हुआ, तो हो गया कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो गई। अब जब ये इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही अंश कला विकला के हो जाते हैं, यानी दोनों जब 0 डिग्री के हो जाते हैं, तो अमावस्या तिथि होती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो अमावस्या तिथि होती है, जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो प्रतिपदा तिथि होती है, और दोनों पक्षों में 15-15 तिथियाँ होती हैं। नक्षत्र के बारे में कुछ बताइए। देखिए नक्षत्र, अब ये एक ये हो गया तिथि। तिथि का मान जो है लगभग 24 घंटे के बराबर होता है, घटती बढ़ती भी रहती है, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट 24 घंटे भी हो। और नक्षत्र जो है हमारे मतलब जोड़ियाक में या भचक्र में जो है टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, और इन 27 नक्षत्रों में 9-9 नक्षत्रों की एक एक टेबल बनती है। और इन 27 नक्षत्रों के ये जो 7 ग्रह बताए, 7 ग्रह और प्लस 2 ग्रह राहु और केतु, ये टोटल 9 ग्रह, ये हमारे पृथ्वी मंडल में एक मनुष्य जाति को या जातक को प्रभावित करते हैं। तो 9 ग्रह, जो 9 ग्रह हैं मतलब सूर्य से लेकर के सही तक 7 ग्रह ये तो प्रकाशित होते हैं, और राहु और केतु दो ग्रह जो होते हैं ये छाया ग्रह कहलाते हैं। ये छाया ग्रह का मतलब ये ग्रह दिखाई नहीं पड़ते, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये छाया ग्रह कहलाते हैं। तो ये 9 ग्रह जो होते हैं इन्हीं 27 नक्षत्रों के क्रम से स्वामी होते हैं। तो जैसे अश्वनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र इनका स्वामी हो गया केतु। फिर उसके बाद आता है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, इसका स्वामी होता है शुक्र होता है। भरणी के बाद कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, इसका स्वामी हो गया शुक्र के बाद सूर्य हो गया। और अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका के बाद हो गया रोहिणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर रोहिणी, रोहिणी और हस्त और श्रवण का स्वामी हो गया चंद्रमा। इसके बाद चंद्रमा के बाद आता है मंगल का स्वामी हो गया मक्षिरा, चित्रा और धनिष्ठा का स्वामी होता है मंगल। उसके बाद राहु का नक्षत्र आता है, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं आर्द्रा, स्वाति और सद्विषा, ये राहु के नक्षत्र हो गए। राहु के बाद आते हैं बृहस्पति का नक्षत्र होता है, आर्द्र के बाद होता है आया पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इसका स्वामी हो गया बृहस्पति हो गया। और राहु के बाद बृहस्पति का आया, बृहस्पति के बाद आ गया शनि के लिए हो गया पुष्य, अनुराधा और पूर्वा भाद्रपद, ये शनि के नक्षत्र हो गए। तो क्या महेंद्र जी, क्या इस सब के लिए योग का मतलब योग भी महत्व रखता है?
किसी भी कार्य के लिए। देखिए किसी भी कार्य के लिए योग भी महत्व रखते हैं, जैसे भी हमने बताया ना ये जो नक्षत्रों के जो पढ़ते हैं केतु से लेकर के बुध तक पढ़ता है, मतलब केतु का पढ़ेंगे तीन नक्षत्र, उसके बाद पढ़ेंगे शुक्र के, पढ़ेंगे शुक्र के बाद पढ़ेंगे सूर्य का, सूर्य के बाद पढ़ेगा चंद्रमा का, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि और बुध, इन नौ ग्रहों के क्रम से नक्षत्र पढ़ते हैं। इन नक्षत्रों के बाद योग आता है। तो योग में क्या होता है, योग बन, योग का मतलब हो गया जोड़। योग में ये होता है सूर्य और चंद्रमा के योग से, यानी सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट जो है उसके योग से जो आता है वो योग बनते हैं। जैसे विष, कुंभ, प्रीत, ये 27 जो योग होते हैं ये योग बनते हैं। पंचांग में दिया रहता है कि किसी पर्टिकुलर डे में देखें तो ये 27 योग दिए रहते हैं, विष, कुंभ, परिधि, प्रीत योग, सिद्ध योग, साध योग, इस तरह 27 योग दिए रहते हैं। तो उसमें आप योग देख सकते हैं। योग में क्या होता है, देखिए तिथि, किसी भी कार्य को करने के लिए हम वार देखते हैं, वो वार शुभ है कि नहीं, उसके बाद तिथि देखते हैं किसी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए उचित तिथि है कि नहीं, तिथि के बाद फिर नक्षत्र देखते हैं कि नक्षत्र हमें अनुकूल मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर योग देखते हैं योग शुभ मिल रहा है कि नहीं, योग अगर शुभ मिल रहा है और अच्छी बात है, और अगर ये सारी चीज़ें शुभ मिल जाती है तिथि, वार, नक्षत्र और योग, तो ज़्यादा ये उचित होता है। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा कुछ चीज़ें मतलब सारे कम्बिनेशन नहीं मिल पाते हैं एक साथ, तिथि को हमें लेना है तो नक्षत्र छूट रहा है, तो किसी विशेष कार्य में को करने के लिए हमें विशेष तिथि की ज़रूरत होती है, लेकिन तो हमें उस तिथि को कंसीडर करना पड़ेगा, नक्षत्र फिर को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारा मतलब आज के युग में बहुत सारे लोग हैं जो पंचांग मुहूर्त को मानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये साइंटिफिक है और इसको साइंस ने भी माना है, किसी विशेष क्षण का मुहूर्त होता है और बड़े बड़े कार्य साइंटिस्ट भी और हमारे मतलब सरकार में भी और डिफरेंट लोग जो इसके जानकार हैं, ये जो इसको महत्ता देते हैं वो उचित समय को मतलब किसी योग ज्योतिषी से निकलवा करके उस उचित समय में अपना कार्य संपन्न करते हैं, उनको सफलता मिलती है, ऐसा उन्होंने देखा। अगर इस योग को पे के अगर ध्यान ना दिया जाए, अगर ऐसे ही कोई कार्य कर लिया जाए तो हो सकता है कि शुभ समय मिल जाए, हो सकता है ना मिले, ये तो ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन अगर आपको ज्ञान है मुहूर्त का और पंचांग का ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से अगर आप कोई कार्य संपन्न करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और मिलती है। और इस समय किसी समय विशेष का जैसे महत्व होता है, जो बताया किसी विशेष क्षण में वो पत्ता पीपल का पत्ता सोने का बन गया, तो मुहूर्त और तिथि या इस पंचांग के माध्यम से हम किसी भी कार्य को हम कम समय में और अच्छे अंजाम तक या अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ सकता, हमको कम मेहनत में ही ज़्यादा और अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए हमको मुहूर्त का और पंचांग का सहारा अवश्य लेना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। ये साइंटिफिक है क्योंकि जो ग्रह है सूर्य दिखता है डेली, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में दिखाई देता है, ये सब साइंटिफिक है, इसको कोई नकार नहीं सकता। हाँ, और जो ग्रह हैं वो डिफरेंट ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगाता है और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये जो ग्रह चक्कर लगाते हैं या जो ग्रह हमारे पृथ्वी मंडल के नज़दीक होता है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव हमको झेलना पड़ता है या उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो इसलिए अगर काल का या मुहूर्त का और पंचांग का अगर हम सहारा लेंगे तो हम जीवन में ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं और कोई भी व्यक्ति कम समय में और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है योग के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमें बताने के लिए इतनी जानकारी। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र कुमार जी, जिन्होंने पंचांग मुहूर्त के बारे में जानकारी दी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी है, और इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मुहूर्त पंचांग को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो उनको सफलता जरूर हासिल होती है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।